दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए लेकर आए हैं आईपीएल की दुनिया के बड़े अपडेट्स, टी20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन धोनी के पीछे क्यों पड़े हैं WWE के सितारे, क्यों पछता रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की फ्रेंचाइजी, नई फ्रेंचाइजी की कप्तानी डेविड वार्नर को मिलना तय, BBL का काउंटडाउन शुरू और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल से जुड़े हुए आपको बताने वाले हैं। आईपीएल 21 खत्म हो चुका है और अब आईपीएल 22 आने वाला है, आपको कुछ करना नहीं, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 323वां वीडियो है, और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर के वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप का कल फाइनल मुकाबला खेला गया और दुनिया को टी20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन मिल चुका है ऑस्ट्रेलिया के रूप में। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कल न्यूजीलैंड पर शानदार 8 विकेट से जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे मिचेल मार्श और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने डेविड वार्नर। टी20 वर्ल्ड कप के विजेता को ट्रॉफी और नाम तो मिलता ही है, इसके साथ ही बहुत सारा कैश प्राइज भी मिलता है। जहां पर आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप को जीतकर 12 करोड़ रुपए का विनिंग प्राइज अपने नाम कर लिया है और 1 करोड़ उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि उन्होंने सुपर 12 में 4 मुकाबले जीते थे। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम रनर अप रहे और उन्हें 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही 1.2 करोड़ रुपए भी उन्हें मिलेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपने 4 मुकाबले जीते थे सुपर 12 के। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विनिंग और रनर अप टीम को पैसे मिलेंगे बल्कि जो सेमीफाइनल और सुपर 12 में विजेता बनते हैं उन्हें भी पैसे मिलते हैं। जैसे कि पाकिस्तान को 4.5 करोड़ रुपए मिला, इंग्लैंड को भी 4.5 करोड़, श्रीलंका को 2 करोड़, साउथ अफ्रीका को 2 करोड़ और भारत को 1.2 करोड़। और पूरी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, या तो आप इस लिस्ट को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों भारतीय क्रिकेट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ तो भारतीय टीम के हेड कोच बन चुके हैं और पहले वह नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड हुआ करते थे और उस पोस्ट के खाली होने के बाद BCCI चाहते हैं कि VVS लक्ष्मण उस पोस्ट को हैंडल करें क्योंकि VVS लक्ष्मण से बढ़िया विकल्प BCCI के पास है नहीं जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी का जिम्मेदारी उठा सकते हैं। और सूत्रों की मानी जाए तो VVS लक्ष्मण तैयार भी हो गए हैं, बस एक आधिकारिक घोषणा का इंतजार हो रहा है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे WWE के सुपरस्टार जॉन सीना जाने जाते हैं अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज डालने के लिए और वह कब कौन सा फोटो डाल लेंगे कोई नहीं जानता है। और सबसे बड़ी बात है कि वह अपने फोटो में कैप्शन तक नहीं डालते हैं और कल उन्होंने अचानक से महेंद्र सिंह धोनी का फोटो पोस्ट कर दिया जो आप यहां पर देख सकते हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया इसके पीछे कोई वजह बताया नहीं, बस उन्होंने डाल दिया है। इसके पहले भी जॉन सीना ने विराट कोहली का फोटो डाला था तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जॉन सीना इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जो भी मशहूर लोग होते हैं उनके फोटो डालने से उनके सोशल मीडिया पर ट्रैफिक आता है और लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं। और आपको तो पता ही कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए क्या है। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड का सीरीज आ रहा है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला देखते देखते आप पैसे कमा सकते हैं। स्टार पंटर ऐप पर क्रिकेट के सभी मुकाबले चलते हैं और इन मुकाबलों में आप अपनी फैंटेसी टीम बनाकर खेल सकते हैं। इसमें फैंटेसी टीम बनाना बहुत ही आसान है और यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी कम है जिसकी वजह से आपकी जीतने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। इन मुकाबलों में पैसे लगाकर पैसे कमा सकते हैं, हर तरह से खेल सकते हैं आप। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक ऐप को डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें और फिर आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर राइट साइड में आइकन पर क्लिक करें और सारे डिटेल्स भर के रजिस्टर कर लें और फिर अपना डिपॉजिट अमाउंट ऐड करें। यहां पर क्लिक करके अमाउंट ऐड होते ही आप इन पैसों से अपने मन पसंदीदा गेम खेल सकते हैं। इसमें क्रिकेट के अलावा रमी, कैसीनो, टेबल गेम, अंडर बार और भी तरह तरह की वैरायटीज मिलेगी आपको। इसके साथ ही इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करने पर आपको ₹500 का वेलकम बोनस भी मिलेगा जिसका इस्तेमाल आप स्टार पंटर पर गेम्स खेलने के लिए कर सकते हैं। इसलिए इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अभी डाउनलोड करें और पैसे कमाएं। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में होने वाले बिग बैश लीग को लेकर। आपको बताना चाहेंगे यदि आईपीएल के बाद कोई दूसरा सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी है जिसे भारतीय लोग देखना पसंद करते हैं तो वह है बिग बैश लीग। और सबसे बड़ी बात है कि आईपीएल के मेगा ऑक्शन में भी बिग बैश लीग के प्रदर्शन पर खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। और आपको बता दें बिग बैश लीग 5 दिसंबर से शुरू होने वाला है और इसके लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 3 सप्ताह में आपको बिग बैश लीग शुरू होते हुए दिखेगा जिस पर आपको हम वीडियोस अपडेट्स देते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल के वैल्यू को लेकर। आपको बताना चाहेंगे जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था तब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि 2022 आते आते आईपीएल में 16 टीम रहेंगे, लेकिन अभी तक आईपीएल में सिर्फ 8 टीम है और अगले साल आपको 10 टीम देखने को मिलेंगे। और हमने हाल फिलहाल में देखा था कि जो 2 नई टीम थी उसका कीमत 12,000 से 13,000 करोड़ तक मिला था। इसके साथ ही स्टार इंडिया के CEO ने यह तक बता दिया है कि आने वाले 4 साल में आपको 2 और नई टीम देखने को मिलेंगे, यानी कि 10 टीम इधर और 2 टीम उधर, मतलब कि 12 टीम आपको 3 से 4 साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं आईपीएल में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो 2 नई टीम और रहने वाले हैं उसका कीमत 12,000
हजार से 15,000 करोड़ तक रह सकता है, क्योंकि 4 साल में आईपीएल का वैल्यू तो गारंटी है कि डबल हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है हनुमा विहारी की तरफ से। आपको याद होगा कि हमने आपको भारत और न्यूजीलैंड के टेस्ट स्क्वाड के बारे में बताया था, उसमें हनुमा विहारी शामिल नहीं थे और उनके नहीं सिलेक्शन होने पर कई सारे सवाल उठने लगे, जिसकी वजह से हनुमा विहारी को साउथ अफ्रीका के टूर भारत ए पर भेजा जाएगा। और सुनील गावस्कर की मानी जाए तो हनुमा विहारी को सिलेक्ट इसीलिए नहीं किया गया था क्योंकि वह आईपीएल में नहीं खेलते हैं और कहीं ना कहीं मेन स्क्वाड में सिलेक्शन के लिए आईपीएल में खेलना एक बड़ा क्राइटेरिया बन चुका है भारतीय क्रिकेट में, और जिसका खामियाजा हनुमा विहारी को भुगतना पड़ा। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है डेविड वार्नर की तरफ से। डेविड वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद के सिलेक्टर्स को करारा जवाब दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां पर वह आईपीएल की प्लेइंग 11 में फिट घोषित नहीं माने जा रहे थे, वहीं टी20 वर्ल्ड कप में वह मेन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। इसके साथ ही डेविड वार्नर की पत्नी कैंडिस वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि जिसे वह कमजोर और किसी काम का नहीं समझ रहे थे, आज वही खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया है, जिसके लिए सभी टीम लड़ाई कर रहे थे। और डेविड वार्नर की इस प्रदर्शन के बाद आप समझ सकते हैं आने वाले आईपीएल के ऑक्शन में डेविड वार्नर के लिए काफी बड़ी बोली लगने वाली है और दो नई फ्रेंचाइजी के कप्तानी के बड़े दावेदार माने जाएंगे डेविड वार्नर। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है हार्दिक पांड्या की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे आईपीएल 2022 में हार्दिक पांड्या का खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या पर मुंबई में FIR दर्ज होने वाला है, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, जहां पर हार्दिक पांड्या, मुनाफ पटेल, राजीव शुक्ला और भी कुछ खिलाड़ियों पर रहनुमा भाटी शख्स ने रेप का चार्ज लगाया है, जहां पर 24 सितंबर को यह लोग मुंबई के सांता क्रूज पर मौजूद थे और वहां पर यह घटना घटा। अब इसमें कितनी सच्चाई है अभी तक तो सामने नहीं आया है, लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो दोस्तों यह थे आईपीएल के आज के बड़े अपडेट्स। ऐसे अपडेट्स आपके लिए रोज लाते हैं और आपके लिए हम रियल टाइम में भी अपडेट्स लाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।